हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जिस फ्रेंच लीग वन के मैच का हम प्रीव्यू करने वाले हैं वो खेला जाएगा पीएसजी वर्सेस मार्से के बीच। मैच का वेन्यू होगा पेरिस, जो पीएसजी का होम मैच होगा और किक ऑफ होगा रात में 12:15 AM पे। तो पीएसजी आप जानते होंगे फ्रेंच लीग का बेस्ट क्लब माना जाता है। इनका मैच है मार्से से, जो कि फ्रेंच लीग के वन ऑफ दोस क्लब्स में काउंट होता है जो पीएसजी को टक्कर देने की क्षमता रखता है। बट ओवरऑल क्वालिटी में पीएसजी बहुत ज़्यादा आगे है एज़ कम्पेयर टू मार्से। तो अपने घर में फिलहाल के लिए फेवरेट जो है वो पीएसजी होने वाली है। लेकिन अगर मार्से मैच को ड्रॉ करा लेती है, क्योंकि रिसेंटली पीएसजी बहुत ज़्यादा टॉप फॉर्म में नहीं है, ठीक ठाक ही फॉर्म में है, तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए स्मॉल लीग में फेवरेट पीएसजी है, तो हम इनको ही बैक करके अपनी टीम बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस मैच के लाइनअप आने के बाद जो भी फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या टॉप पिन कमेंट में, वहां से जुड़ के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 4600 के आसपास सब सारा चैनल आपको मिल जाएगा, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से। बात करते हैं फ्रेंच लीग के पॉइंट्स टेबल की। तो पीएसजी से जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं, टॉप ऑफ द टेबल में एक और बार फिर से टाइटल जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। 10 में 8 मैच जीते हैं, 2 ड्रॉस हैं, 1 भी लॉस नहीं है। सबसे ज़्यादा 28 गोल मारे हैं, सिर्फ 5 गोल कंसीड किए और 26 इनके पॉइंट हैं। वहीं मार्से ज़्यादा पीछे नहीं है, 4th पोजीशन में, 10 में 7 मैच इन्होंने भी जीते हैं, 2 ड्रॉ 1 लॉस हैं, 20 गोल स्कोर किया, 7 गोल कंसीड किए और 23 इनके पॉइंट है। तो ओवरऑल अभी तक मार्से ने भी अच्छा फुटबॉल खेला है। वहीं अगर मैं आपको दोनों का रिसेंट रिजल्ट लास्ट फॉर्म दिखाऊँ, लास्ट मैच दिखाऊँ, तो पीएसजी अपना लास्ट मैच एक रीम्स टीम के अगेंस्ट गोलर ड्रॉ खेल के आई है। यहाँ पे पीएसजी को जीतना था, बट इस मैच में जो है ना पीएसजी ने अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया था। मेसी नहीं थे, एम्बापे नहीं थे, और एम्बापे थे मतलब जल्दी सब्स्टिट्यूट हो गए थे, और नेमार भी नहीं थे। इस वजह से आई थिंक ये गोलेस ड्रॉ हुआ। जबकि मार्से भी अपना लास्ट मैच एक वीक अजेसियो टीम से 2-1 के मार्जिन से हार गई, दिमित्री पायट का एक गोल आया था। फिलहाल मैंने बता दिया इस मैच में फेवरेट पीएसजी होगी, तो अभी के लिए हम उनको ही बैक करने वाले हैं। तो डायरेक्ट मैं प्रोबेबल लाइनअप पे आता हूं। पहले बात पीएसजी की करते हैं, तो ये फेवरेट है। अभी मैं इनके ही मैक्सिमम प्लेयर भी पिक करूंगा, यानी कि मैं 7 प्लेयर इनके ही पिक करूंगा स्मॉल लीग में। तो पीएसजी के लिए किम्पेम्बे और न्यूनो मेंडेस पहले से बाहर हैं, और सर्जियो रेमोस भी इस मैच में सस्पेंडेड हैं। तो आप देखिए इनके 3 मेन डिफेंडर आज नहीं खेलेंगे, जो कि मेन टीम के डिफेंडर हैं। तो आज क्या है ना, पीएसजी अपनी बैकलाइन शिफ्ट करने वाली है। रूमर्स आ रहे हैं 3 इन द बैक से 4 इन द बैक में आज स्टार्ट कर सकते हैं। तो पीएसजी की प्रोबेबल 11 देखते हैं। डोनारुमा इनके गोलकीपर होंगे। अब जनरली पीएसजी 3 इन द बैक खिलाती थी, 2 विंग बैक्स खिलाती थी, लेकिन आज 4-3-3 में शिफ्ट करने वाले ऐसे रूमर्स हैं। तो फिलहाल 4 इनके डिफेंडर होंगे, हकीमी, मार्किनियोस, डेनिलो और वन बन्नेट। डेनिलो मिडफील्ड सेक्शन में लिस्टेड है, इनको हटा के बाकी तीनों डिफेंडर हकीमी, मार्किनियोस और बन्नेट डिफेंस सेक्शन में लिस्टेड है। तो मैं फिलहाल के लिए इन तीनों ही डिफेंडर को पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि पीएसजी का अपने घर में क्लीन शीट का भी अच्छा चांस है। दूसरा है, डिफेंडर भी तीनों सॉलिड हैं, हकीमी बन्नेट कभी भी इस पोजीशन से गोल असिस्ट कर सकते हैं, मार्किनियोस हेडर में बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं, डिफेंसिव वाइज अच्छे हैं। तो फिलहाल मैं पीएसजी के तीनों ही डिफेंडर को पिक करके चल रहा हूँ। डेनिलो अगर डिफेंस सेक्शन में लिस्टेड होते मैं कंसीडर करता, मिडफील्ड में मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया है डेनिलो का। फिलहाल मैं फॉरवर्ड में मेस्सी, एम्बापे, नेमार तीनों को पिक करूंगा, बताने की जरूरत है नहीं, तीनों वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर में काउंट होते हैं। और आई थिंक ये तीनों ही आपके लिए, इन तीनों में कोई कैप्टन वाइस कैप्टनसी का टॉप ऑप्शन रहेगा इस मैच में। रिसेंटली मेसी बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है, एम्बापे भी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, और नेमार तो पूरे सीजन अच्छी फॉर्म में है। तो आई थिंक तीनों ही मस्ट पिक रहने वाले हैं। अब इन दोनों में कोई पेनल्टी भी लेगा, क्योंकि शायद अब मेसी पेनल्टी नहीं लेते हैं, लास्ट मैच में एम्बापे नहीं ली, अब ऐसा हो सकता है इस मैच में नेमार ले या फिर से एम्बापे ले, इनका मैनेजर ही जानता है। तो फिलहाल एम्बापे और नेमार में कोई इनका पेनल्टी टेकर भी हो सकता है। मिडफील्ड में मैं विटिनिया इग्नोर कर रहा हूँ, अभी के लिए मैंने फाबियन रुइस को भी इग्नोर किया, ऑल्दो ठीक ठाक किया है। फिलहाल मैं मिडफील्ड में विराती को पिक करके चल रहा हूँ, ऑल्दो लास्ट 2-3 मैचेस से विराती ने फैंटेसी वाइज उतने ज़्यादा पॉइंट नहीं दिया है मिडफील्ड से, बट स्टिल ये बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच में क्लिक कर सकता है, असिस्ट पोटेंशियल भी है, पासिस भी करता है, डिफेंसिव वर्क भी करता है। तो अभी के लिए मैं विराती के साथ जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है विराती का दिन फिर से अच्छा नहीं जाएगा, आप या तो इनके प्लेस में फाबियन रुइस पे पॉइंट ले सकते हैं, या आप अपोनेंट से एक प्लेयर के साथ जा सकते हैं। तो ये पीएसजी की प्रोबेबल 11 थी, लगभग सभी चीज़ें मैंने यहाँ से आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। अभी जो मैं 7 प्लेयर पिक करूँ, मैं फॉरवर्ड तीनों पिक करूँ, मेसी, एम्बापे, नेमार, मिडफील्ड में मैं विराती, डिफेंस में मैं हकीमी, मार्किनियोस और वन बन्नेट के साथ जा रहा हूँ। फिलहाल ये मैंने पीएसजी के सीएन के स्टैट लिखे लीग वन के, आप ये स्टैट देख लीजिए। अपोनेंट की बात करने से पहले वही चीज़ फिर से रिमाइंड दिला रहा हूँ, इस मैच की फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स के लिए आपको ज्वाइन करना है हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या टॉप पिन कमेंट में, वहां से जुड़ के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं मार्से की। तो मार्से के लिए सीट कोलासिनाक इस मैच में बाहर हैं, तो इनकी प्रोबेबल 11 देखते हैं।
पाओ लोपेज इनके गोलकीपर होंगे, अभी मैं इनको भी कर रहा हूँ क्योंकि पीएसजी ज़्यादा अटैक करेगी तो लोपेज हमें अच्छे खासे सेव्स करके दे सकते हैं। थ्री इन द बैक में भी खेलते हैं एम्बेम्बा, एरिक बाई और बलेडी इनके तीन सेंटर बैक। अब मैंने गलती से कोलासिनाक लिख दिया, यहाँ पे खेलेंगे टवारेस, मैंने चेंज करके टवारेस कर दिया। ये चार इनके डिफेंडर फैंटेसी प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएंगे डिफेंस सेक्शन में। फिलहाल मैं इनका एक भी डिफेंडर पिक करके नहीं गया हूँ, बट दो अच्छे ऑप्शन यहाँ पे हैं, जैसे कि टवारेस जो फॉर्मर आर्सेनल फुलबैक हैं, ये बंदा अटैकिंग वाइज बहुत अच्छा है, इनफैक्ट ये 3 गोल कर चुका है लीग में अटैकिंग वाइज, तो काउंटर अटैक में पीएसजी को हिट कर सकता है। दूसरा है बलेडी जो डिफेंसिव वाइज सॉलिड है, हेडर में अच्छा है। वैसे तो एरिक बाई और एम्बेम्बा भी अच्छा है, एरिक बाई आपको याद होगा लास्ट सीजन मैन यूनाइटेड में थे, लेकिन अभी फेवरेट पीएसजी है, तो फिलहाल मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पिक करूंगा या मैं हो सकता है एक भी इनका डिफेंडर पिक ना करूं। फिलहाल के लिए आप बलेडी या टवारेस में, खासतौर पर टवारेस को पिक करके चल सकते हैं, इनका सिलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। मैं जो इनके राइट विंग बैक है क्लॉस, उनको शोली पिक करूंगा, इनकी रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी है, ऑल्दो ये मिडफील्ड सेक्शन में लिस्टेड है, बट स्टिल ये इस पोजीशन से गोल असिस्ट कर सकते हैं, डिफेंसिव वाइज अच्छे हैं, और आई थिंक पिछले मैच में 2 असिस्ट इनके आए थे और 1 गोल 4 असिस्ट अभी कर चुके हैं, सिलेक्शन आई है, तो मैं क्लॉस को पिक कर रहा हूं। फिलहाल मैंने वेरेटूड और रोंजियार दोनों को इग्नोर किया है, ऑल्दो दोनों आपको डिफेंसिव पॉइंट दे सकते हैं, खासतौर पर रोंजियार, जबकि वेरेटूड के पास क्रिएटिविटी है, वे कभी कभी कॉर्नर किक वगैरह भी लेते हैं, लेकिन अभी इनसे भी बेटर ऑप्शन मिल रहे हैं। इन दोनों को मैंने इग्नोर किया है और मैंने अमीन हरीट को भी इग्नोर किया है, पिछले यूसीएल मैच में इन्होंने अच्छा किया बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। फिलहाल मैं गंडोजी को शोली पिक करूंगा, रिसेंटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहा है मार्से का, ये बंदा डिफेंसिव वर्क करता है, ओपन प्ले से गोल असिस्ट कर सकता है, भी फॉर्मर आर्सेनल प्लेयर है, और दूसरी चीज जो लास्ट अभी यूसीएल मैच हुआ था ना उसमें गंडोजी ने इनकी पेनल्टी भी ली थी डिमिट्री पायट के अब्सेंस में, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं गंडोजी पेनल्टी टेकर हैं। वैसे एलेक्सिस सैंचेस भी पास्ट में एक पेनल्टी ले चुके हैं, तो आई थिंक अगर पायट नहीं खेलते इन दोनों में कोई इनका पेनल्टी टेकर भी होगा, इस वजह से भी गंडोजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिलहाल मैं एलेक्सिस सैंचेस को भी पिक कर रहा हूं, इनका मेन नंबर 9 है, 4 गोल मार चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है। दूसरा पीएसजी अपने मेन डिफेंडर्स के बिना खेल लिया तो उनका डिफेंस भी उतना ज़्यादा सॉलिड नहीं है, तो मार्से कहीं ना कहीं एक आध गोल मार सकती है, इस वजह से मैं इनके मेन नंबर 9 एलेक्सिस सैंचेस को भी पिक करके चल रहा हूं। तो ये मार्से की प्रोबेबल 11 थी, लगभग सभी चीज़ें मैंने यहां से भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। फिलहाल ये मैंने मार्से के सीएन के लीग वन के स्टैट लिखे हैं। अभी जो मेरी प्रिडिक्शन रहेगी इस मैच की, मैं 2-0 या 2-1 नैरो पीएसजी विक्ट्री के साथ जा रहा हूं। तो फिलहाल ये मेरी डेमो रफ टीम है, गोलकीपर मैंने पाओ लोपेज लिए हैं जो मार्से के हैं, मैंने तीनों डिफेंडर पीएसजी के लिए लिए, मार्किन्योस, हकीमी और वान बर्नेट, मैंने नेमार को पिक किया, मेसी, एम्बापे पिक किए, और मैंने मिडफील्ड में अभी के लिए विराती को भी पिक किया है। यहाँ मैंने क्लॉस, गंडोजी लिए और मैंने एलेक्सिस सैंचेज लिए। आपको लग रहा है विराती फ्लॉप होंगे, या तो आप इनके प्लेस में फाबियन रूइस पे पॉइंट ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे मिडफील्डर एक डाल सकते हैं मार्से का, जो कि वेरेटूड या गंडोजी में कोई हो सकता है, नहीं तो आप क्या है डिफेंस में मार्से का एक डिफेंडर पिक कर सकते हैं, न्यूनो टवारेज या बलेडी में किसी एक को। फिलहाल मैं विराती को ही ट्रस्ट कर रहा हूँ बड़े मैच में। अभी हम बैक पीएसजी को ही कर रहे हैं, तो नेमार, एम्बापे, मेसी में ही सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन होगा। अभी आपका कॉल है, इन तीनों में प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है कौन अच्छा करेगा कौन खराब, तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में आप अपना कॉल ले लेना। फिलहाल ये मेरी डेमो रफ टीम थी, मेरी अपडेटेड फाइनल टीम के लिए विद कैप्टन वाइस कैप्टन आपको ज्वाइन करना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टॉप पिन कमेंट में, जरूर से जरूर ज्वाइन